ये मैं डार्ट मार रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ये मैं डार्ट मार रहा हूँ यहाँ पे, तो ये डार्ट मारेंगे दोस्तों जब, ये मैं डार्ट फोल्ड कर ले रहा हूँ, डार्ट जब मारेंगे दोस्तों ये अपने जगह पे आ जाएगा, आप देख रहे हैं दोस्तों। ब्लाउज़ का डीप नेक कटिंग करने से शोल्डर ड्रॉप होता है, तो उसके लिए दोस्तों हमको कटिंग में, बैक की कटिंग में कुछ बदलाव करना होता है, ठीक है। तो वो दोस्तों हम बदलाव कर देंगे, चेंजेस कर देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये हमने पहले से एक बैक कटिंग कर लिया है। अगर आपने इस बैक कटिंग का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं इसका लिंक जो है दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें जाके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों पहले बेसिक पैटर्न से मार्किंग कर लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसका डार्ट का मार्जिन है इसको हम कम कर देंगे, कम मार्जिन हटा देंगे दोस्तों, ठीक है। ये मार्जिन हम हटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ आ रहा है मार्किंग, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इस हिसाब से हम इसका मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये डार्ट जो है हमने दोस्तों माइनस कर दिया है, डार्ट माइनस कर दिया है, तो ये जहाँ पे आया है, ठीक है, अब इसको हम मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बेसिक था दोस्तों, इसमें डार्ट भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये डार्ट को कैंसिल करके मैंने ये मार्किंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो डार्ट कैंसिल करके हमने मार्किंग कर दिया, बाकी सब सेम है। उसके बाद इसमें अब दोस्तों हम नेक का कितना डीप लेंगे नेक वो लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4.25 है, ठीक है। तो आपका मेजरमेंट जो भी होगा आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, यहाँ पे हमने 4.25 लिया है दोस्तों। यहाँ पे मैं 4 इंच ही लूँगा, थोड़ा यहाँ पे कम रखूँगा मैं, ठीक है, ये 4 इंच का हो गया दोस्तों। और यहाँ से मैं 3.5 इंच पे लाइन मार रहा हूँ, ठीक है, नीचे से। तो इसको दोस्तों हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस लाइन को भी हम सीधा कर दिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नेक का आकार बना लेंगे जो भी होगा, ठीक है, इस तरीके से नेक का हमने आकार बना लिया दोस्तों। ये हमने डार्ट का पॉइंट किया था मार्किंग, एक बार फिर से रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ का स्टार्ट पॉइंट एक लाइन ये था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा डार्ट का लाइन था दोस्तों कच्चा पैटर्न में, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये हमारा डार्ट का लाइन था। इसको भी लाइन दोस्तों मार लेंगे, यहाँ तक आ रहा है जबकि हमको यहीं तक रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये तो हो गया, आप समझ गए, इसका हमने डार्ट घटा दिया, डार्ट घटा के मार्किंग कर लिया सेम, ये देख रहे हैं यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कम ज़्यादा है, तो ये डार्ट हमने हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये कर लिया। अब इसको हम कटिंग कर ले रहे हैं दोस्तों, ये नेक है दोस्तों, यहाँ पे कटिंग करेंगे, ठीक है, इसको मैं कटिंग कर लूँगा इस तरीके से,
इस तरीके से दोस्तों हमने इसको कटिंग कर लिया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि एक दूसरा पेपर लेंगे जो हमारा फाइनल होएगा दूसरे पेपर पे, ठीक है। इसको दोस्तों हम यहाँ पे कट मार लेंगे, ठीक है, जो ये पेपर है हमने कटिंग किया यहाँ पे कट मार लेंगे, ठीक है, कट मार लेंगे, हमने कट मार लिया इसको। इसको यहाँ पे रखेंगे दोस्तों इस तरीके से, ये तो सेम यहीं पे मिलाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हमने सेम मिला लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डार्ट कितना लेना है, आधे इंच का लेना है, ठीक है, आधे इंच का डार्ट लेना है दोस्तों। हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों आधे इंच का डार्ट में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमको आधे इंच का डार्ट लेना है और ये आप देखेंगे दोस्तों इस इधर आ रहा है, ठीक है, जब हम डार्ट मारेंगे तो ये अपने जगह पे हो जाएगा। ये डार्ट अभी ले रहे हैं, अंदर आ रहा है, शोल्डर कम हो रहा है, जब डार्ट मार लेंगे दोस्तों तो ये अपने जगह पे ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पर आधे इंच का डार्ट लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से दोस्तों ये हमने हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमने मार्किंग कर लिया है इस तरीके से। और ये डार्ट का भी हम लाइन मार देंगे, ठीक है, ये डार्ट का ये कटिंग कर ले दोस्तों, ये हमारा फाइनल हो गया। मतलब इस तरीके से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, इसको कटिंग कर देता हूँ दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों बैक कट कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा। और अगर फिर भी होता है दोस्तों तो उसको वैसे तो होगा नहीं, फिर भी अगर हो रहा है आपको लग रहा है तो यहाँ पे दोस्तों ड्रॉस्टिंग लगा दीजिए, ठीक है, वैसे तो इतने से हो जाएगा आपका, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया दोस्तों इस तरीके से। अब इसको रखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा मेन पैटर्न था दोस्तों, ये रखेंगे तो इसमें क्या होएगा हमारा कि मान लीजिए ये मैं डार्ट मार रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ये मैं डार्ट मार रहा हूँ यहाँ पे, तो ये डार्ट मारेंगे दोस्तों, जब ये मैं डार्ट फोल्ड कर ले रहा हूँ, डार्ट जब मारेंगे दोस्तों ये अपने जगह पे आ जाएगा, आप देख रहे हैं हमने जब डार्ट मारा ये अपने जगह पे आ गया, ठीक है, मतलब शोल्डर बाहर नहीं गया। और अगर उस तरीके से हम लोग करते तो दोस्तों शोल्डर बाहर चले जाता, इसमें क्या होगा कि ये शोल्डर आपका जगह पे ही आ गया, रह गया इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों।